हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन बेस्ट फ्रेंड के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नामजुन ताइगंग के पीछे जाने के लिए गाड़ी की चाबी ले लेता है। तब जिन उसके हाथ से कार की छीन कर कहता है, अगर तुम उसके पीछे जाकर उसे इस वक्त रोकने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें उसके पीछे नहीं जाने दूंगा। नामजुन कहता है, उफ जीनू बेबी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तुम्हारा बेटा घर से गुस्से में निकला है। मुझे डर है कि तैयंग गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। जिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। मैं अपने बेटे को अच्छे से समझता हूँ। वो गया होगा जोंगकुक के पास प्यार का इजहार करने के लिए। नामजुन कहता है, आई होप कि तुम जो कह रहे हो वही सच हो। दूसरी तरफ जोंगकुक अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रहा था, तभी उसका मोबाइल की घंटी बजता है, जिसे सुनकर जोंगकुक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जोंगकुक कुर्सी से उठकर बेड के पास आकर बेड से मोबाइल अपने हाथ में उठा लेता है। फोन स्क्रीन पर ताइगंग के नंबर देखकर जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉल कट कर देता है, क्योंकि वो अभी ताइगंग से बात नहीं करना चाहता था। ताइगंग फिर से उसे कॉल करता है। जोंगकुक फिर से कॉल कट कर देता है। फिर ताइगंग जोंगकुक को एक धमकी भरी, अगर अभी तुम नीचे नहीं आए ना तो फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा। अब तुम सोचो तुम्हें कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया। मैसेज रीड करने के बाद जोंगकुक तुरंत ताइगंग को कॉल करता है। ताइगंग कॉल रिसीव करके कहता है, तुम नीचे आ रहे हो या मैं ऊपर आ जाऊंगी। जोंगकुक कहता है, अब क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे। मुझे हर्ट करके तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिला ना, या फिर आप भी कुछ बाकी रह गया है। ताइगंग कहता है, हर्ट तो तुम मुझे कर रहे हो अपने इन चाइल्डिश बिहेवियर से। जोंगकुक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, नीचे आओ। पहले से ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, अब तुम और ज़्यादा खराब मत करो। जानते हो मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ, मैं सब कुछ जला दूंगा। जल्द से जल्द नीचे आओ, वरना मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने, जोंगकुक कहता है, घर के बाहर बात करने से मॉम डैड को पता चल जाएगा। तुम हमारे घर के पास जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ जाकर बैठो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ताइगंग कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास बस 2 मिनट हैं, जल्दी करो। ताइगंग बाइक स्टार्ट कर कॉफ़ी शॉप के तरफ जाने लगता है। जोंगकुक कमरे में गोल गोल घूम रहा था, उसे कोई ढंग का आइडिया नहीं आ रहा था। अपने मॉम डैड को झूठ बोलकर बाहर जाने के लिए जो कहना है वो नहीं आ रहा था। जोंगकुक घड़ी की तरफ देखता है, ऑलरेडी 2 मिनट ख़त्म हो चुका है। तुरंत ताइगंग का कॉल आ जाता है। जोंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, आ रहा हो, शांत हो जाओ। जोंगकुक वार्डरोब से अपना जैकेट लेता है, उसके बाद अपने कमरे से दबे पैर बाहर जाने लगता है। तभी मिस्टर जियोन कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। जोंगकुक कहता है, फ्रेश एयर में थोड़ी देर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ डैड, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। एक कहकर जोंगकुक जल्दबाजी में घर से निकल जाता है। मिस्टर जियोन कहता है, लगता है प्लान वर्क कर रहा है। जोंगकुक तेज से मिलने के लिए झूठ बोलकर घर से निकला है। फोन के दूसरी तरफ से नामजुन स्माइल करके कहता है, होप के सब कुछ ठीक हो जाए दोनों के बीच। मिस्टर जियोन कहता है, आई होप सो। जोंगकुक कॉफ़ी शॉप पहुँच कर देखता है, ताइगंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है और उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क है। जोंगकुक ताइगंग के पास आकर कहता है, अब तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, बात करने के लिए आप क्या रह गया है। ताइगंग कहता है, तुम शादी कर रहे हो। जोंगकुक कहता है, ओ तो तुम्हें पता चल गया है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया तेई। ताइगंग गुस्से में जोंगकुक के हाथ ग्रैब कर जोर से प्रेस करते हुए कहता है, तुम इतना नॉर्मली बात कैसे कर सकते हो, क्या किसी ने तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स किया, टेल मी। जोंगकुक कहता है, आह तेई यू हर्ट मी, लीव माई हैंड। ताइगंग कहता है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे चाइल्डिश बिहेवियर मुझे दे रहा है। जोंगकुक कहता है, तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे। ताइगंग कहता है, तुम्हें सब लोग शादी के लिए फोर्स कर रहा है ना।
जोंगकुक कहता है, नहीं, मैंने खुद इस शादी के लिए हाँ कहा है। ये सुनकर तैगंग स्तब्ध हो जाता है। तैगंग आंखें सिकोर लेता है और गुस्से वाली आवाज में कहता है, व्हाट द हेल जियोन जोंगकुक, आखिर तुम इस उम्र में शादी क्यों करना चाहते हो? अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। चलो मेरे साथ और सबको इस शादी के लिए मना करो अभी। जोंगकुक कहता है, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मेरे साथ जब तुमने रात बिताया था तब ये बात याद नहीं था कि मैं अंडर एज हूँ। तेई, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, यह सब हमें देख रहा है, इसलिए अच्छा यही होगा तुम कोई सीन क्रिएट मत करो। तैगंग कहता है, ओ अच्छा ठीक है, तो लड़का कौन है, क्या करता है, क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, क्या वो गुड लुकिंग और रिच है, क्या उसके पास तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड करने का एबिलिटी है? जोंगकुक कहता है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही उसे देखा है, तो तुम ये सारी बातें जाकर मेरे मॉम डैड से पूछो। तैगंग कहता है, शेमलेस, तुम जिस इंसान को जानते नहीं हो उसे अभी तक देखा भी नहीं और तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम उसे शादी करोगे। जोंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड के चॉइस पर पूरा भरोसा है, उन्होंने मेरे लिए जिसे पसंद किया वो हर चीज़ में परफेक्ट ही होगा। जोंगकुक के बातें तैंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। तैंग गुस्से में कुर्सी से खड़े होता है और जोंगकुक के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए खड़ा करता है। तैंग दांत पीसते हुए कहता है, अभी जाकर तुम इस शादी से इनकार करोगे, चलो यहाँ से। जोंगकुक कहता है, तुम क्यों मेरा शादी तोड़वाना चाहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तैगंग कहता है, नहीं। जोंगकुक कहता है, तो फिर तुम्हारे पास ये राइट भी नहीं है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, अब ये हाथ सिर्फ मेरा हस्बैंड ही पकड़ सकता है। तैगंग कहता है, रियली, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ए तैगंग क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये कहकर तैंग जोंगकुक को वॉल पर पुश करता है और उसे अपने बॉडी से वॉल के अगेंस्ट पिन कर एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ कर कुकी के सिर के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है। जोंगकुक देखता है, कैफे में जितने भी गेस्ट बैठे हुए थे सब उन दोनों को ही देख रहा है। जोंगकुक कहता है, तेई, ए तुम क्या कर रहे हो, ये पब्लिक प्लेस है, पागल मत बनो और छोड़ो मुझे। तैगंग कहता है, हाँ तुम जानते तो हो मैं पागल हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तुम्हारा जगह दिखा रहा हूँ। तैगंग अपना दूसरा हाथ सीधा सबके सामने जोंगकुक के पैंट के अंदर घुसा देता है, जिसे देख सब लोग शर्म से आंखें दूसरे डिरेक्शन में टर्न कर लेता है। जोंगकुक के गाल एम्बरेसमेंट के कारण लाल हो जाता है। जोंगकुक देखो पीछे की ओर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहता है, यू क्रेजी बास्टर्ड, तुम ये क्या कर रहे हो, हाथ बाहर निकालो अपना। तैगंग अब जोंगकुक के पैरों के बीच वाले हिस्से को रफली टच करना और रगड़ना शुरू कर दिया था। जोंगकुक खुद को मौन करने से रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जोंगकुक कहता है, ते स्टॉप। तैगंग कहता है, हाथ तभी बाहर निकलेगा जियोन जोंगकुक जब तुम यही कहोगे कि तुम ये शादी नहीं करोगे। जोंगकुक कहता है, अगर मैंने शादी तोड़ दिया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जोंगकुक ये कहकर बहुत ही उम्मीद के साथ तैगंग के तरफ देखने लगता है। तैगंग कहता है, आर यू मैट, मैं क्यों तुमसे शादी करूँगा, एक रात के वजह से तुम खुद को मुझ पर थोपने की ट्राई क्यों कर रहे हो कुकी? ये सुनकर जोंगकुक को बहुत गुस्सा आया तैगंग के ऊपर। जोंगकुक अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज़ करके तैगंग को पीछे की ओर पुश कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। जोंगकुक तैगंग के बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट था। जोंगकुक के आंखें लाल हो चुका था और आंसू से पूरी तरह फील हो चुकी थी। जोंगकुक हथेलियों से आंसू वाइप करके कहता है, आई हेट यू किम तैगंग, आई हेट यू, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, तुम बस मेरे साथ सोना चाहते थे, मेरे बॉडी का इस्तेमाल करना चाहते थे और तुम इसमें सक्सेस भी हो गए हो, इसलिए अब तुम मुझसे शादी क्यों करोगे, है ना?
अब मैं यूज्ड हो चुका हूँ ना तुम्हारे लिए। जितना प्यार मैं तुमसे करता था, आज के बाद से मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे नफरत करूँगा किम तैयंग। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हारे शक्ल तक नहीं देखना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम बहुत घटिया हो, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हूँ। आज तुमने प्रूव कर दिया है। तैं चुपचाप खड़े होकर जोंगकुक के बातें सुन रहा था। जोंगकुक रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। सब लोग जाते हुए जोंगकुक और गाल पर हाथ रखकर खड़े हुए तैयंग को ही देख रहा था। तैयंग को दूसरों से कोई मतलब नहीं था। तैं कॉफ़ी शॉप से निकलकर बाइक में जाकर बैठ जाता है। तैयंग एंगर में पागलों की तरह बाइक फुल स्पीड में चला रहा था। तैं क्लब के बाहर बाइक खड़ी करता है और खुद क्लब के अंदर आ जाता है। तैं को क्लब में देखकर युंगी सीटी बजाते हुए कहता है, आ गया नाइट प्रिंस, अब आएगा मज़ा। युंगी वेटर से तैयंग के लिए शॉर्ट रेडी करने के लिए कहता है। वेटर कहता है, जी अभी करता हूँ सर। तैयंग आकर युंगी के बगल में बैठ जाता है। युंगी कहता है, हे हीरो व्हाट्सअप, सब ठीक तो है ना ब्रो? तैयंग कहता है, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। वेटर तैयंग को एक हार्ड ड्रिंक बना कर देता है। ते इसे एक ही घुट में पी लेता है। तैं गुस्से में टेबल पर ग्लास पटकते हुए कहता है, वन मोर रिपीट। वेटर सेम वही ड्रिंक मेक करता है। वेटर जैसे ड्रिंक का ग्लास टेबल के ऊपर रखता है, युंगी इसे तैयंग के सामने से हटा लेता है। युंगी कहता है, ते व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मैन, ये ड्रिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है और तूने ऑलरेडी 3 खत्म कर दिया, अब और नहीं, वरना तू खुद को हैंडल नहीं कर पाएगा। तैंग युंगी पर चिल्ला कर कहता है, गिव मी। युंगी कहता है, ते हुआ क्या है, जोंगकुक ने कुछ कहा है? जोंगकुक के नाम सुनकर तैंग गुस्से में फूलने लगता है। तैंग काउंटर के ऊपर से एक बॉटल पिक करता है और फिर इसे पीने लगता है। तैयंग को भयानक नशा हो गया था। तैयंग कहता है, अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जा सकते हो, किसी और से शादी कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तैंग उठकर डांस फ्लोर के तरफ जाने लगता है। तैंग डांस फ्लोर पर आते ही सभी गर्ल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ चिपकने लगती हैं, अपने सेक्सी मूव्स तय को शो करने लगती हैं। तैयंग कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी गर्ल। ये सुनकर वो लेडी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तैयंग अपने साथ उस लड़की को लेकर ऊपर किसी कमरे में जाने लगता है। तभी उसे फिर से जोंगकुक के बातें याद आ जाता है। जोंगकुक के याद आते ही तैयंग उस लेडी को ग्राउंड पर बहुत ही हार्शली और बहुत ही रूड वे में पुश कर क्लब से बाहर निकल जाता है। युंगी काई और तैयंग के दूसरे फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, क्योंकि तैयंग इस वक्त नशे में था, उसे इस हालत में छोड़ना सही नहीं होगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। अब इस FF के सिर्फ एक ही एपिसोड रह गया है, इसके बाद ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।